सारी फैमिली अंदर बैठे तो बाहर से ताला लगा दिया जो इंक्लोजर था। तो ये जो कुछ हो रहा है हमें तो इंसाफ तो खैर नहीं मिलता नज़र आ रहा, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि हम लोग हैं कौन। हम अपने मुल्क में बैठे हैं या किसी पराए मुल्क में बैठे हैं या हमें ऐसे हमें सबको फैमिली समेत हमारे ऊपर फ़ोनों को सुन रहे हैं, हमारे पीछे लोग लगा देते हैं। अब हम कभी सोचते हैं कि घर से निकल कर आएँ क्या हम दहशत गर्द हैं? हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया है जो इतनी तकलीफ़ होती है देख के कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ये हो रहा है, हमें पीछे फॉलो कर रहे थे, हम घर से निकल कर आएँ किसके लिए आए? अगर हमारा हक नहीं बनता अपने भाई के लिए खड़े होने का तो फिर किसका है? हमें कहा जाता है हमें जेल में डाल देगा, हमें कोई डर नहीं जेल में जाने का। अगर जुर्म आज आयद होती है तो आपको लगता है कि ये फ्री ट्रायल और जस्ट ट्रायल? मैं कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं अंदर जाने दे रहे तो इसका भी कोई मकसद ही होगा कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे। आपको इजाज़त क्यों नहीं है? डर क्यों रहे? आप लोगों से क्यों डर रहे हैं? आप तो लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर आप नहीं अंदर जाएंगे तो फ्री ट्रायल कैसे होगा? तो सारों को नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आगे कल चल के ये क्या करेंगे। हम तो चले मजबूत खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुल्क के साथ क्या हो रहा है? कोर्ट्स के साथ, कोर्ट्स के ऊपर कोई उम्मीद है आपको कि अगर ये केस यहाँ से? मुझे तो लगता है सब पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उनकी भी शायद ज़रूरत ना हो कि कुछ कर सकें। पहले तो केस ही के ऊपर देख लें, अगर आप केस को, हम तो बारी बारी कहते हैं कि अगर आप इस केस को देख लें तो ये तो एक पैगाम डॉनल व्यू ने भेजा था बाजवा साहब को और वो प्राइम मिनिस्टर के पास। मगर ये जो अब पैगाम वाला था इस पर तो खान साहब ने खुद भी कहा था कि पैगाम वहाँ से नहीं आया था, यहाँ से गया था। नहीं, पैगाम तो उधर से जो आया था जिसके पीछे खान साहब को सजाए मौत हो सकती है, वो तो ये था कि वहाँ एक डोनाल्ड लू जो है उन्होंने बाजवा साहब के लिए पैगाम भेजा था और नाराज़गी उनकी ये है कि खान साहब ने क्यों पढ़ लिया। वो खान साहब के लिए पैगाम था नहीं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड का उनके पास साइफर का जो कहते हैं ना वो पैगाम आना चाहिए था। ये आपके SOPs में है गवर्नमेंट की, उनको उनको तो क्या कहते हैं इसते शाह महमूद साहब जेल में, उन्होंने अपनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं इसके हवाले से, साइफर के हवाले से। उनके उनकी कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, आप सारे सारा कुछ निकाल के देख लें। कभी कहते हैं कि प्लान वहाँ से बना था, नहीं, लेकिन प्लान यहाँ से बना था, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बिल्कुल नहीं है। मतलब उनका मकसद ये था कि बाजवा साहब ने हुसैन हकानी को हायर किया था, ये तो सबको पता है, आपको जाके देख लें, ये तो रिकॉर्ड पे है। तो हुसैन तो जाके फिर उसका तो निकला है अमेरिका में, वो तो हायर था, उसको तो पैसे दिए गए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है अमेरिका में जाकर। आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपको दो मिनट में फारा के रिकॉर्ड्स चेक करें। इमरान खान को भी तभी पता चला था जब उन्होंने अमरीका के पब्लिक रिकॉर्ड्स में आया था के हुसैन हकानी को हायर किया था। साहब कहते हैं तो मैंने डिफेमेशन भेजा हुआ है उसका, कोई अकान साहब कहते हैं मैंने कोई डिफेमेशन, और आपके पास कहीं है तो हमें भी दिखा दें डिफेमेशन किधर आया हुआ है।